एम शिवानी सोलंकी एंड वेलकम यू ऑल टू द लॉ वाला चैनल जहां पे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाउंडेशन बैच में फर्स्ट सब्जेक्ट दैट एस सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर विच इज सेट टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट मेजर लॉ जो कि आपकी लॉ ग्रेजुएशन में भी रहता है इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ जुडिशरी सेगमेंट में भी इम्पोर्टेंट माना जाता है अब यह सब्जेक्ट ऐसा है जो कि सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है रीजन बींग की इसको शायद पढ़ने का तरीका या पढ़ाने का तरीका या इसका जो एसेंस है वो हम अच्छे से एक्जैक्टली exactly समझ नहीं पाते हैं बट ऑन दिस लॉ वाला चैनल वी विल मेक श्योर की सीआरपीसी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे तरीके से हम डील करें फ्रॉम बेसिक्स टू इन डेप सारा सेगमेंट एस लॉ फाउंडेशन बैच में सीआरपीसी का मैं डील करने वाली हूं सो so, आज शुरू करने वाले हैं हम सीआरपीसी का फर्स्ट लेक्चर दैट इज इंट्रोडक्शन टू सीआरपीसी वो बेसिक्स जो कि हम जनरली स्किप कर देते हैं लेकिन हमें पता होना चाहिए था एग्जैक्टली exactly सीआरपीसी है क्या क्यों हमें सीआरपीसी पढ़ने की जरूरत है क्या सीआरपीसी का रोल है चाहे हमारे स्टडीज में हो या चाहे अगर हम लिटिगेशन में जा रहे हैं तो सीआरपीसी का इतना क्या कनेक्टिविटी है हर सब्जेक्ट के साथ कि हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ना ही पढ़ना है और इसी सब्जेक्ट के साथ डील करेंगे कुछ बेसिक्स छोटे छोटे डिफरेंसेज इसके सेक्शन इसके बेरक प्रोविजन केस लॉस और साथ ही साथ हर वो चार्ट टेबुलर फॉर्मेट को हम यहाँ बना

क्यों सीआरपीसी की हमको जरूरत पड़ी इंडिया में सीआरपीसी एग्जैक्टली काम क्या करता है वॉट इज मेंट बाई सीआरपीसी फिर हम ये देखने वाले एक्जैक्टली सीआरपीसी का रोल क्या है

कुछ यूनिवर्सिटीज में या कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज में वो सब्जेक्ट क्यों है

आपके वो सिविल के लॉज हो या क्रिमिनल लॉज हो

एक लेजिस्लेशन है जो कि आपका लेजिस्लेटर ड्राफ्ट करता है सो ऑलवेज रिमेंबर कि एक्ट हमेशा कैसे आता है एक स्टैट्यूट से आता है जो कि आपका लेजिस्लेचर बनाता है बट ये बनता कैसे है इसके लिए जरूरी है पहले एक बिल ड्राफ्ट होता है अब ये बिल कैसे जो है पारित होता है या तो ये ऑर्डनरी बिल हो सकता है मनी बिल हो सकता है फाइनेंस बिल हो सकता है जिसका प्रोसीजर हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दे रखा है We always know that कोई भी अगर ऐसा बिल है कोई भी uh, बिल जिसको हमें लॉ बनाना है उसके लिए जरूरी है it receives your president's assent. जैसे ही इसको प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है उसके बाद गवर्नमेंट नोटिफाई करती है ऑलवेज रिमेंबर आप कोई भी एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको दे रखा होगा कि जब गवर्नमेंट उसको एक ऑफिशियल गेजेट में नोटिफाई करेगी उस दिन से वो एक्ट क्या आ जाता है इफेक्ट में आ जाता है तो हर एक्ट को पहले प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है उसके बाद गवर्नमेंट उसे नोटिफाई करती है ऑफिशियल गैज में नोटिफाई करती है वो डेट होती है एनफोर्समेंट डेट ऑलवेज रिमेंबर वो होती है एनफोर्समेंट डेट क्योंकि प्रेसिडेंट की असेंट हो सकता है इसको दो साल पहले मिल जाए लेकिन इफेक्ट में जब गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करती है तब आता है और जनरली आपको एग्जाम्स में कौन सी डेट पूछी जाती है एनफोर्समेंट डेट व्हेन दिस पर्टिकुलर एक्स वाई जेड केम इनटू फोर्स तो वो होती है गवर्नमेंट की एनफोर्समेंट डेट एंड प्रेसिडेंट की एनफोर्समेंट डेट अलग होती है सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग एनी व्हेनेवर यू आर स्टडीिंग एनी एक्ट ऑलवेज रिमेंबर पहले हमें उसकी एनफोर्समेंट डेट याद रखनी है और उसके साथ प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली ये भी हमें ध्यान रखना है एक और चीज आपको ध्यान रखना चाहिए एक्ट नंबर एज वेल एज एक्ट ईयर यहां से सीधा सीधा पूछा जाता है एज वेल एज वॉट यू कैन रिमेंबर इज हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर हाउ मनी सेक्शन देयर एंड हाउ मेनी स्केड्यूल्स आर देयर और कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं तो उसकी भी बेसिक लिस्ट हर एक्ट में बनेगी ही बनेगी इज इट क्लियर ना कमिंग टू कोड अब कोड क्या होता है कोर्ट भी आपका लेजिस्लेटरी बनाता है ऐसा नहीं है कि कोर्ट कोई आपका अलग आ... तो जो पिलर है इंडिया में वो बनाए नहीं कौन सा इंस्टीट्यूट बनाता है इट इज मेड बाय योर लेजिस्लेचर ओनली बिकॉज लेजिस्लेचर का बेसिक फंक्शन है टू मेक लॉज आपके जुडिशियरी का सॉरी एग्जीक्यूटिव का बेसिक फंक्शन है कि वो ये मेक श्योर sure करे कि वो सारे लॉज इंप्लीमेंट हो चुके हैं एग्जीक्यूट हो चुके हैं उनका निष्पादन हो चुका है जुडिशियरी क्या करता है इट अप होल्ड लॉ दैट इज इट मेक श्योर की जो भी लॉ बने हैं जो भी सर्कुलेट कर रहे हैं वो अच्छे से इंडिया में एक समान है ना आपके साइमटेनियसली अप्लाई हो गए इनकेस इफ एनी बडी बीच दैट लॉ और डज एनी थिंग कॉन्ट्री टू द लॉ दैट इज प्रिवेलिंग इन इंडिया तो वहां पर पनिशमेंट देने का काम जुडिशरी है।, है कि कई बार कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट एक्ट ऑलरेडी बने होतेडी प्रि मुद्दे को डिफरेंट डिफरेंट से गवर्न करना या उनका रेगुलेशन डिफरेंट एक्ट से करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसीलिए एक यूनिफॉर्मिटी देने के लिए उन सारे एक्ट को क्लब करके एक बड़ा लॉ बनाया जाता है उसको हम कहते हैं कोर्ट सो वॉट इज कोर्ट इट इज द इट इज दी लॉ मेड फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉस क्लियर है यह चीज इसका एग्जाम्पल हम लेंगे आईपीसी सी स्टूडेंट्स व्हेन ब्रिटिशर्स केम इनटू इंडिया व्हेन ब्रिटिशर्स केम इनटू इंडिया दे रियलाइज दैट इंडिया वॉज नो डाउट अ secular कंट्री बट इंडिया हैड मेनी religions कहीं पर मुस्लिम थे कहीं पर पार्सीज थे कहीं पर क्रिश्चन थे कहीं पर हिंदू थे तो हिंदू को गवर्न करने के लिए उनका खुद का हिंदू पर्सनल लॉ था मुस्लिम को गवर्न करने के लिए शरीयत एक्ट था उनका खुद का मुस्लिम पर्सनल लॉस था उनके कस्टम्स थे तो जब भी कोई हिंदू पर्सन हिंदू के अगेंस्ट ऑफेंस करता है तो उनको पता था कि हिंदू लॉ से गवर्न हो जाएगा मुस्लिम ऑफेंस करता है तो मुस्लिम पर, मुस्लिम लॉ से गवर्न हो जाएगा बट वॉट वेन अ हिंदू ऑफेंस अगेंस्ट मुस्लिम तो यहाँ पे फिर कौन सा रिलीजन उन दो डिफरेंट रिलीजन के लोगों को गवर्न करेगा सो देर यूज टू बी अ प्रॉब्लम कि एग्जैक्टली exactly अब कौन सा रिलीजन उनको गवर्न करना चाहिए तो so, इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वॉट लॉर्ड मेकॉलेड इन

मुस्लिम को कहा ऐसा नहीं है इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द रिलीज साइमिलटेनियसली

इट इज सफिशियंट इन इट सेल्फ मतलब उस पर्टिकुलर लॉ को किसी और लॉ की जरूरत ही नहीं है दैट इज वॉट इज सेट टू बी एन एग्जॉस्टिव लॉ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हमको पता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉन एग्जॉस्टिव ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इट इज नॉन एग्जॉस्टिव क्योंकि क्योंकि वो अपने आप में सफिशेंट नहीं है अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसका ब्रीच हुआ वेर विल यू गो यू हैव टू कम टू एस आर एव टू कम टू सी पी सी मतलब कोई भी पर्टिकुलर ऐसा लॉ नहीं है जो कि अपने आप में ही सारी चीजें लेके बैठा है और वो ये ना बोले कि आप इस एक्ट में या इस लॉ की हेल्प ले लीजिए अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो उसका ब्रीच हुआ एंड इफ यू वॉन्ट टू क्लेम सर्टन कॉम्पनसेशन इफ यू वॉन्ट द रिसेशन ऑफ

अब बात करेंगे सीआरपीसी की सो so, कोड का मतलब हमने समझ लिया क्रिमिनल का मतलब क्या हुआ कि ये जनरली क्रिमिनल लॉस पे अप्लाई होता है या कोई ऑफेंस हुआ है या क्राइम हुआ है तो उस पर अप्लाई होता है प्रोसीजर मीन्स इट गिव्स यू अ इट गिव्स यू अ प्रॉपर प्रोसीजर और इट एक्चुअली गिव्स यू द होल मैकेनिज्म जिससे कि आप क्रिमिनल केस को गवर्न करेंगे या क्रिमिनल केस रेगुलेट होगा क्लियर सो इट सेज इट इज अ लेजिस्लेशन ऑन प्रोसीजर जर लॉ in so जो की आपको एक क्या कर रहा है रेगुलेशन प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि इंडिया का सबस्टैंडिव लॉ गवर्न हो सके ध्यान रहे कि सबस्टैंडिव क्रिमिनल लॉ आई पी सी भी हो सकता है पॉक्सो भी हो सकता है डीवी एक्ट भी हो सकता है पॉश एक्ट हो सकता है यहाँ पे एनडीपीएस एक्ट हो सकता है तो जो भी लॉ जो कि क्रिमिनल नेचर है उसके लिए प्रोसीजर प्रोवाइड करने का काम किसका है सीआरपीसी का है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉक्सो की जो प्रोसीजर है वो सीआरपीसी प्रोवाइड करेगा पॉक्सो में खुद में भी उसकी प्रोसीजर प्रोवाइडेड है लेकिन कुछ ऐसे इंस्टांसेस हैं जिनको कि पॉक्सो में ऐड करके पॉक्सो एक्ट को बड़ा नहीं बनाकर उन्होंने सिंपली ये बोला है कि फॉर दिस प्रोविजन सीआरपीसी का दिस दिस सेक्शन इज गोइंग टू अप्लाई Why? Because instead of repeating the same provisions under POCSO, उन्होंने बोलते हैं आप जाइया CRPC को जाके refer कर लीजिए। So this is how CRPC is linked to many minor criminal laws, जहाँ पे उस act को बड़ा ना बनाकर उन्होंने simply criminal procedure code के कुछ provisions को वहाँ पे mention करके दे दिया। Clear? Next is it provides the mechanism for investigation of the crime। हमारा कोई इंडिया में क्राइम हुआ है कोई कोई भी भी पर्सन क्राइम कर कर रहा है 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 तो exactly तो तो उसकी इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी ऐसे पुलिस ऑफिसर अपना रेगुलेशन uh, निकाल देंगे या 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 अपने अकॉर्डिंग लेंगे जो कि विक्टिम तो हो हो सकती या फिर हो सकती फिर सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स सीआरपीसी क्या करता है सीआरपीसी एक्चुअली हेल्प्स यू

और इनोसेंस ऑफ द अक्यूज पर्सन एज वी ऑलरेडी कि जब तक एविडेंस नहीं मिलेंगे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी हमें नहीं पता चलेगा कि इस पर्सन ने ऑफेंस किया है या नहीं किया है नाउ फॉर एग्जाम्पल मेरी नजरों के सामने किसी पर्सन ने अपने दुश्मन को जान से मारा नाइफ से मारा या मान लीजिए बंदूक से मारा तो मेरे लिए वो पर्सन हो सकता है कि एक अक्यूज है या गिल्टी है ऑफ क्राइम बट इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर मेरे लिए है तो वो पूरे देशवासियों के लिए है या कोर्ट के लिए भी है

जब तक सीआरपीसी नहीं होगा हम उसका पनिशमेंट डिसाइड नहीं कर पाएंगे इवन इफ इन आईपीसी द पनिशमेंट हैज बीन मेंशन, बिकॉज आईपीसी में पनिशमेंट मैंशन है लेकिन पनिशमेंट देना कैसे है कितना देना है

तो क्या मेरे लिए सीआरपीसी इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ आईपीसी भी तो पढ़ सकती हूँ कहाँ दिक्कत है मैं कोर्ट में जाऊंगी तो मुझे शायद हो सकता है कि मेरे सीनियर्स हेल्प करें लेकिन आपके सीनियर्स आपको एक हद तक ही हेल्प करेंगे आगे की जर्नी आपको खुद देखनी पड़ती है ये कोर्ट का हमेशा से आप देखेंगे तो कोर्ट्स में ये हमेशा से ट्रेडिशन रहता है दैट जनरली अप्रीशिएट और सीनियर्स हेल्प दोज जूनियर्स और those इंटर्नीस जो कि उनके लिए थोड़े बेनिफिशियल हो और जो कि उनके ऊपर आके बर्डन ना बन जाए कई बार हम इंटर्नशिप्स में ये सोचते हैं कि हमें सिखाया जाएगा लेकिन वहाँ आपको सिखाया नहीं जाता आपको खुद से सीखना पड़ता है और खुद से सीखने के लिए बहुत जरूरी है कि पहले हमारे अकेडमिक्स दैट इज सब्जेक्ट का जो बेसिक्स है वो क्लियर है काफी बार ऐसे सुनने को आता है कि देर इज अ डिफरेंस बिट्वीन द अकेडमिक्स दैट यू स्टडी एंड एंड द प्रैक्टिस दैट यू डू आई अग्री दैट थिंग प्रैक्टिस और अकेडमिक्स में बहुत फर्क है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं और जो प्रैक्टिकली कोर्ट में जाके एक्सपीरियंस करेंगे दोनों में बहुत डिफरेंस है अब डिफरेंस क्यों है क्योंकि जो बैरक में चीजें लिखी हुई है उसको अगर प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो कोर्ट्स में ऐसी प्रैक्टिकल चीज थोड़ी इम्प्रैक्टिकल है क्योंकि लिटिगेशन में काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो कि आपके अकेडमिक से बहुत अलग देखने को मिलेगी ये जब आप कोर्स जाएंगे या गए हैं तो आपने डेफिनेटली देखा है रीजन ये बनता है कि एट दी एंड सब लोग ह्यूमन है सबकी एक कैपेसिटी होती है हर किसी पर्सन की लिमिट्स होती है वहां तक लोग काम कर सकते हैं थोड़ा कन्विंसिंग पावर होता है थोड़ा पीछे का जुगाड़ चलता है थोड़ा पैसा दे, देखा जाता है कुछ पावर प्रेस्टीज सो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके एक्चुअल लिटिगेशन को इफेक्ट करती ही करती है ओके सो इनकेस इफ यूर प्लानिंग टू बिकम अ क्रिमिनल लॉयर या फिर जज बनना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सी सी वर्क कैसे करती है क्या एग्जैक्टली exactly सीआरपीसी में है जो मुझे पढ़ना ही पढ़ना चाहिए सो वाई वी हैव टू एक्चुअली स्टडी सीआरपीसी या फिर सीआरपीसी का पूरे इंडिया में रोल क्या है क्या सीआरपीसी के बिना हमारा क्रिमिनल लॉ नहीं चल सकता क्या आइए समझिए सबसे पहली चीज हमको देखना है कि क्राइम क्या होता है अब वी नो क्राइम ऐसी चीज है जो कि हमारी सोसाइटी अप्रिशिएट नहीं करती इट इज नॉट समथिंग जिसके बदले आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा इट इज समथिंग रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी है ना सोसाइटी इस चीज से खुश नहीं होती है क्यों क्योंकि क्राइम ऐसी चीज है ना जिससे आप किसी पर्सन के राइट्स को हैम्पर कर रहे हैं वी ऑल लव टू गेट द राइट्स और प्रैक्टिस आर राइट बट व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मिंग द ड्यूटीज तो हम सब में भर भर के आलस भरा है क्यों होता है ऐसा क्योंकि कहते हैं ना जहां राइट्स होता है वहां आपको पता है कि आपका बेनिफिट तो so, वहां तो हम झगड़ लेंगे अपने राइट्स के लिए लेकिन वहीं पर ड्यूटी परफॉर्म करने की बात आ गई तो हमें ये लगता है कि हम क्यों ड्यूटी परफॉर्म करें जब सामने वाला पर्सन नहीं कर रहा है ना ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम जनरली खुद की कमियां नहीं निकालते हम दूसरों में ज्यादा कमियां निकालते हैं ना एक जो क्रिटिक्स करने की आदत है वो हर ह्यूमन में होती है इेस्पेक्टिव ऑफ कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो सो so जनरली अभी आपको देखने को मिलेगा कि हर कोई पर्सन ना दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हुआ है मतलब पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कोई लेना नहीं चाहता या करना नहीं चाहता बट हर कोई ह्यूमिलेट करने के लिए चाहता है सो मेक श्योर दैट इफ यू डोट नॉट लाइक एनी बडी एक्ट सो यू कैन लाइक ए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो सकता है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो सकता है बट डो नॉट ट्राई टू ह्यूमिलेट एनी बॉडी ट्राई टू शो सम मैन काइंड थोड़ा काइंडनेस

ओके okay. क्या किया जाता था सीधा कल्प्रेट को कल्प्रेट को हमने निकाला कल्प्रेट को हमने पता किया कौन है और उसको पनिश कर दिया तो तो उसके उसके आगे क्या? उसके आगे क्या ये होता है दैट व्हेन वी आर पनिशिंग एनी पर्सन एक एक लॉ होना चाहिए एक चाहिए प्रोसीडिंग होनी इस चीज के लिए और वो प्रोसीडिंग कहाँ मिलती है वो प्रोसीडिंग सीआरपीसी में मिलती है मैम इस सीआरपीसी की जरूरत क्यों पड़ी इस सीआरपीसी की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें यूनिफॉर्म प्रोसीडिंग चाहिए ऐसा नहीं है ना कि राजा जी ने सेट के लिए अलग तरीके की प्रोसीडिंग निकाल दी और किसी ऐसे लेबर के लिए या कोई दूसरी जनता है तो उसके लिए अलग तरीके की प्रोसीडिंग निकाल दी ये कब होता था ये हमारे ट्रेडिशनल एशियन टाइम्स में होता था लेकिन अब मॉडर्न इंडिया में या फिर मॉडर्न वर्ल्ड में या जब से ग्लोबलाइजेशन होना शुरू हुआ है जब से राइट्स ऑफ फ्रीडम्स और ड्यूटीज का आ, कह सकते हो कि एनलाइटमेंट हुआ है या सबको पता चला है तब से बहुत जरूरी है कि हर चीज में हम यूनिफॉर्मिटी देखें इक्वालिटी चाहिए राइट्स चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन चाहिए तो यूनिफॉर्मिटी यहाँ पर किसी पर्सन को पनिश करने के लिए भी होनी चाहिए रीजन आपका सीआरपीसी कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाता है कुछ पर्टिकुलर राइट देता है लेकिन उसके बदले अगर आपने कोई ऑफेंस किया तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्लस आईपीसी ऐसे अक्यूज के फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है तो कहने की बात यह है कि जहां पर एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन हम सभी लोगों को राइट दे रहा है दूसरी तरफ दीज कोड दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड आईपीसी इज मेकिंग श्योर दैट इन केस इफ यू वॉयलेट एनी सच राइट और यू एक्सरसाइज योर राइट और एक्सीड लिमिट ऑफ योर राइट देन यहाँ पे ये दो एक्ट्स हैं दो लॉज हैं या और ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल लॉज हैं जो कि उस पर्सन जिसने एक्सीड किया है अपने पावर्स को उसके पावर्स पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है मतलब इफ आर्टिकल ऑफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग मी द राइट राइट टू एक्सरसाइज लाइफ एंड लिबर्टी दैट मीन कि मैं किसी की भी जान ले लू बोल दूंगी ना मैं कल को हाँ भैया मुझे जान, मुझे राइट right है आर्टिकल ट्वेंटी वन ने बोला मैम जो जी में आए की तो मैं तो जाके जान ले लूंगी बट नो मैम लिसन टू अस देर आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कहाँ दिया है आईपीसी में दैट इज यू कैन नॉट टेक द लाइफ ऑफ एनी पर्सन

है चीज तो उस केस में अक्यूज की पर्सनल लाइफ और लिबर्टी ले सकते हैं इसीलिए तो इसीलिए तो इफ एनी पर्सन इज इंप्रेजेंटेड इन टू जेल तो क्या उसका आर्टिकल ट्वेंटी वन नहीं है क्या उसका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी नहीं है है बिल्कुल है और सीआरपीसी को एनफोर्समेंट में लाया गया टू मेक श्योर कि एक पर्सन अपना राइट right एक्सरसाइज करते हुए दूसरे पर्सन का राइट right हम पर ना करे दैट इज वाई वी नीड टू स्टडी सीआरपीसी एंड सी दैट इन केस इफ एनी वन योर राइट और तो वहां पे क्या काम आता है आईपीसीआर और अदर क्रिमिनल लॉस क्लियर नेक्स्ट इज जब आपको ऐसी इम्प्रेजनमेंट दे दी गई चलो ठीक है अभी तो हमने अक्यूज के राइट एंड लाइफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी पे ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया बट वेन ही इज इम्प्रेजेंट तो क्या उसके राइट्स खत्म हो गए आंसर इज नो no. कई बार आपकी इंप्रिजनमेंट भी इलीगल हो सकती है और मान लीजिए अगर लीगल भी है ही इज इन जेल तो वहां पर जेल में रहते हुए भी राइट टू फूड एंड शेल्टर राइट टू क्लीन एनवायरमेंट राइट टू नॉट थ्रेटन नॉट टू गेट थ्रेटन बाई दू बली ये सारे राइट एक पर्सन के भी अराइज होते हैं जो कि आपका सीआरपीसी आपको कुछ राइट भी मैंशन करके देता है सो इफ इम्प्रिजनमेंट इज इलीगल एंड वॉयलेट समेसिक फ्रीडम्स एंड राइट असोसिएटेड विथ डेमोक्रेसी तो वहां पर भी सीआरपीसी काम आता है बिकॉज सीआरपीसी में वी आर गिवेन द राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन एक अरेस्टेड पर्सन के राइट्स क्या होंगे जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी दे रखा है और सीआरपीसी में भी दे रखा है क्लियर नेक्स्ट इज फिफ्थ दैट वी नीड द लॉ दैट सेट्स द स्टेट मशीनरी रनिंग विद रिस्पेक्ट टू एनफोर्सिंग लॉ ऑर्डर एंड इम्पॉर्टिंग जस्टिस तो इन सारी चीज़ों को जो भी हमारे स्टेट ने लॉ बनाया है उन सारे लॉस का इम्प्लीमेंटेशन यूनिफॉर्म तरीके से हो जो भी स्टेट की मशीनरीज हैं स्टेट की मशीनरी क्या हो गया पुलिस हो गई मजिस्ट्रेट हो गया है या ऐसे कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हो गए हैं जो कि स्टेट के द्वारा रन किए जा रहे हैं इनका रनिंग इनका फंक्शन भी लॉ में लॉ के एनफोर्समेंट के लिए कितना हेल्पफुल है या किस एक्सटेंड तक होना चाहिए कैसे वो मशीनरी रन करनी चाहिए ताकि किसी पर्सन को जस्टिस मिले इसके लिए भी सीआरपीसी है कैसे है फॉर एग्जांपल पुलिस ऑफिसर्स के पावर बता रखे हैं पुलिस ऑफिसर्स के राइट्स बता रखे हैं पुलिस ऑफिसर्स के फंक्शन बता रखे हैं किसी प्राइवेट या पब्लिक हॉस्पिटल को किसी रेपVictim को आपको मेडिकल ट्रीटमेंट देना ही देना पड़ेगा ये ड्यूटी आपके ऐसी स्टेट मशीनरीज के लिए सीआरपीसी में दे रखी है सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सीआरपीसी इज नॉट जस्ट गिविंग यू द प्रोसीजर कि एक पर्सन को पनिशमेंट कैसे मिलेगी लेकिन पूरे पनिशमेंट के दौरान उस पूरे प्रोसीजर के बीच में आने वाली हर स्टेट मशीनरी उसमें आने वाले हर पब्लिक पर्सन के हर अरेस्टेड पर्सन और विक्टिम के दूसरे राइट्स के बारे में भी आपको सीआरपीसी में दे रखा है इट्स नॉट जस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन दैट एक्सप्रेसली मेंशंस अबाउट द राइट्स, बट आल्सो सीआरपीसी

का राइट right है कि वो अक्यूज के राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट करे अक्यूज को ट्वेंटी फोर आवर्स में मेजिस्ट्रेट के सामने पेश करे अक्यूज को uh, आप uh, अननेसेसरी रिस्ट्रेन नहीं कर सकते हैं अक्यूज के कुछ हेल्थ इश्यूज है या वो अनसाउंड माइंड पर्सन है तो उसे हमें के पास लेके जाना है या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना तो ये सारे राइट्स आपके सीआरपीसी में मेंशन करके दे रखे हैं दैट इज द रीजन वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी सीआरपीसी नॉट जस्ट फ्रॉम द परस्पेक्टिव कि एक ट्रायल की प्रोसीडिंग प्रोसीजर क्या होगा लेकिन आपको ये भी देखना है पुलिस के पावर्स क्या होंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के पावर्स क्या होंगे जजेस के पावर्स क्या मैजिस्ट्रेट के पावर्स किया है कब अगर मैजिस्ट्रेट प्रेजेंट नहीं है तो आप एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का रोल कब आएगा स्टेट मशीनरी कब एक्सटेंड तक किसी भी क्राइम में इन्वॉल्वड रहती है वो सारी चीजें आपको सीआरपीसी में देखने को मिलती है एंड ऑल दीस थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस कंप्लीट पैच

बट नहीं आई थी हमारे पास फर्स्ट टाइम सीआरपीसी तो उसी वक्त सीआरपीसी भी आ गई थी बट इट अंडरवेंट मैनी अमेंडमेंट्स मैनी सब्सटीट्यूशन टोक प्लेस और वो क्यों क्या कैसे हुआ ये सब पढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि जब आपके ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे या हम प्राचीन भारत की बात करें कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं था जो कि इंडिया में क्रिमिनल प्रोसीजर को रेगुलेट कर सके और हमें पता है व्हेन ब्रिटिशर्स केम इन टू इंडिया इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट जहां पे आपके पास प्रेसिडेंसी टाउन्स हुआ करते थे सो so यहां पे क्या हुआ कुछ एक्ट्स थे देवर एक्ट्स इन फोर्स इन द प्रेसिडेंसी टाउन्स कोर्ट सो so, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंसी टाउन के लिए आपका Court, 1852, बना, जिसने की आपके हाई कोर्ट ऑफ सी आर पी सी एटीन सिक्सटी फाइव के द्वारा रिप्लेस हो गया सो so, सही मायने में बताया जाए सो दिस वॉज नॉट द एक्चुअल सीआरपीसी बिकॉज ये आपके डिफरेंट डिफरेंट कोड्स पे या डिफरेंट डिफरेंट इंडिया के पार्ट्स पे अप्लाई होता था सो दिस वाज स्टिल नॉट दैट कोड जो कि इंडिया पे यूनिफॉर्मली पूरे इंडिया पे समान रूप से अप्लाई हो सो व्हाट हैपेंड वाज 1861 में सबसे पहले इंडिया का क्रिमिनल प्रोसीजर आया जिसको कि सब्सटीट्यूट किया गया 1872 में 1872 में इसका मोर रिफॉर्मड uh, कह सकते हो कि फॉर्म आया था सीआरपीसी का देन व्हाट हैपेंड वाज देन जनरल क्रिमिनल प्रोसीजर वाज इनकॉर्पोरेटेड विद 1882 एक्ट एंड ज एप्लीकेबल ऑन बोथ क्रिमिनल कोर्ट एंड प्रेसिडेंसी कोर्ट गेव अ यूनिफॉर्म लॉ ऑफ प्रोसीजर फॉर होल ऑफ इंडिया सो बेसिकली एटीन एटी टू में वापिस से एक एक्ट को लेके आया गया जिसने की प्रेसिडेंसी टर्मस एस वेल एस क्रिमिनल कोर्ट सब पे अप्लाई हुआ बट स्टिल नो यूनिफॉर्मिटी थिंग्स जो कि आपके 1882 के एक्ट में भी इंक्लूडेड नहीं थे सबसे पहले था 1861 में एक्ट आया जो कि हुआ 1872 में लेकिन क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे अप्लाई होता तो 1882 में फिर से एक एक्ट आया लेकिन ये भी कुछ चीजों को अपने में कह सकते हैं समाहित नहीं कर पाया था या फिर इनकम्प्लीट था इसलिए इट वॉज अगेन सब्सिट्यूटेड इन 1898 अब 1898 में जब आया तो उसके बाद 1955 में लॉ कमीशन ने इन सारे जो पुराने सीआरपीसी के जितने भी कोड्स बने थे या चाहे एक्ट बने थे इन सबको अच्छे से पढ़ा अंड दे रियलाइज दैट देर मेनी सर्टन थिंग्स जो कि इससे अभी भी एक्सक्लूडेड है इंडिया का कुछ पार्ट उस वक्त इंडिया का एक्चुअल पार्ट नहीं था जो आज इंडिया का पार्ट है 1955 तक अलग अलग तरीके से हुई नो कि इंडिया में उनके पार्ट्स आते गए वी नो कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उससे अलग-अलग टाइम पे इंडिया में अलग-अलग स्टेट्स ऐड होते गए सो so, 1955 में उन्होंने अच्छे से सारे एक्ट्स और कोड्स को पढ़ा एंड मेड वेरियस रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस इन अ डिटेल रिपोर्ट इन 1969 सो so, 1969 में रिपोर्ट सबमिट करने के बाद फाइनली 1973 में सीआरपीसी आया और ये इफेक्ट में कब से आया 1st अप्रैल 1974 आगे हम पढ़ेंगे इनके बेसिक्स तो बेसिक्स में वो सारी डेट्स देखने वाले तो 1974 में ये एक्चुअल इफेक्ट में आया उसके बाद भी सीआरपीसी की स्टोरी खत्म नहीं होती है क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स so आपको अमेंडमेंट पूछा जाता है जुडिशियरी में प्रिलिमिनरी से, से ज्यादा पूछा जाता है बिकॉज यहाँ पे जो क्रिमिनल अमेंडमेंट हुआ

ओके, सो बेसिकली हिस्ट्री आपसे ज़्यादा पूछी नहीं जाती है बट इन केस इफ यू रियली वॉन्ट टू नो सो क्रोनोलॉजी हाउ सी आर पी सी थ्री हमारी 1898 के पी सी से अलग कैसे है 1898 की CRPC रहती है, बिकॉज ये 98, 1898 की सीआरपीसी बहुत ज्यादा टाइम तक इफेक्ट में रही थी अब ये अलग कैसे है

थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट इज लेजिस्लेचर एक्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी अब इन तीनों के फंक्शन हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग पार्ट में दे रखे इनफैक्ट यूनियन का अलग और स्टेट का अलग दे रखा है चैप्टर फाइव एंड सॉरी पार्ट फाइव एंड पार्ट सिक्स वी ऑल नो अब हुआ ऐसा कि जब एग्जीक्यूटिव जुडिशियल लेजिस्लेचर के फंक्शंस अलग कर दिए तो इट वाज़ नेसेसरी कि सीआरपीसी में भी इनके फंक्शंस अलग हों क्योंकि कुछ मजिस्ट्रेट जुडिशियल होते हैं और कुछ मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव फंक्शंस निभाते हैं तो यह काम किया था 1973 ने जहां पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के क्लियर कट फंक्शन क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए बनाए गए थे और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के फंक्शंस क्राइम होने के बाद उसके रेमेडी के लिए बनाए गए थे सो वेन यू विल स्टडी वेन यू विल स्टडी सीआरपीसी whenever kya we are studying now crpc we will realize ki judicial magistrate aur executive magistrate ke functions mein kuch difference hai halanki crpc aapko zyada difference to nahi batata lekin inke functions zarur mention karta hai i'll be mentioning the section when we move on to the types of the magistrates so jab aap function dekhoge in dono ke to function ke grounds pe we will be able to differentiate the very basic function ki executive magistrate ka role आपके ऑफेंस होने से पहले आ जाता है और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का फंक्शन आफ्टर अब उसको पनिशमेंट देना है कन्विक्शन करना है तो वहां पे जुडिशियल मेजिस्ट्रेट का फंक्शन आता है लेकिन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का ऑफेंस कमिट होने से पहले उसे प्रिवेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का रोल आता है

जहां पर की चाहे सुनील बत्रा का केस हो हुसैनारा खातून का केस हो वहां पे इतने लंबे टाइम तक अक्यूज को जेल में रखा गया है दैट इज कि इट्स जस्ट लाइक दैट जस्टिस

वो हैंपर होते हुए दिखे दिस इज द रीजन 1973 में उन्होंने ट्रायल लेके अब है नाइन प्रोविजंस में बेसिकली पे इन सारे ही सेक्शंस में हम ये देखेंगे कि अक्यूज को प्रोटेक्ट किया जा रहा है कहीं पे पर्टिकुलर टाइम डाल दिया गया है कि अगर पर्टिकुलर पर्सन ने देखो जैसे सेट ऑफ का टाइम पीरियड दे रखा है अगर किसी पर्सन ने अंडर ट्रायल जब उसकी ट्रायल चल रही है तभी कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड उसने जेल में बिता दिया तो दैट इज गोइंग टू सेट ऑफ अगेंस्ट द कन्विक्शन दैट ही गेट्स क्लियर है चीज कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोसीडिंग्स में उन्होंने टाइम पीरियड दे दिया है जैसे uh, 167, अगर जेल की कस्टडी है या फिर आपकी जुडिशियल कस्टडी है या पुलिस कस्टडी है उसमें कितने टाइम पीरियड तक के लिए एक पर्सन को रखना चाहिए ये सारा टाइम पीरियड हमें दिया जिससे कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन टाइम पे कंप्लीट हो या फिर आपकी जो ट्रायल है वो टाइम पे कंप्लीट हो और अक्यूज के साथ कोई भी इनजस्टिस ना हो अक्यूज इज द कॉम्पिटेंट विटनेस ऑफ द डिफेंस डिफेंस का कॉम्पिटेंट विटनेस रहेगा सो बेसिकली थ्री

हिस्ट्री ये उठा के देख अगर हिस्ट्री उठा के देखे तो हिस्ट्री ये कहती है कि काफी ऐसे इंस्टांसिस हुए हैं जहां पे अक्यूज के पास इतने सफिशियंट रिसोर्स नहीं थे कि वो खुद को डिफेंड कर सके देन इन दैट केस वॉर्ट थ्री जीरो फोर को डाला गया जिससे कि स्टेट एक्सपेंसिस पर अक्यूज को फ्री लीगल एड दिया जाएगा ऐसे कुछ लॉयर्स दिए जाएंगे जो कि अक्यूज को डिफेंड करेंगे एंटीसिपेटरी बेल सेक्शन फोर थर्टी एट जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में दी जाती है वो डाला गया बिकॉज इट वॉज सीन दैट देर वेनी मैलिशियस प्रोसिक्यूशंस जिससे कि कुछ लोगों को परेशान किया जाने लगा था तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए एंटीसिपेटरी का प्रोविजन 1973 में डाला गया अबोलिशन ऑफ द थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट्स। वी नो दैट हमारे पास दे आर टू टाइप्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज इजिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास ये हम जब हायर की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट पड़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हालांकि ध्यान रहे कुछ स्टेट्स में सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट्स भी नहीं है तो यहाँ पे जो थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट थे उनको रिमूव कर दिया गया कि उनकी जरूरत नहीं है हाई कोर्ट्स कंट्रोल ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के ऊपर कुछ पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बहुत क्लियर है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हैं तो उनकी सुपीरियर्स कौन है हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है वो उनको गवर्न करेंगे मतलब जुडिशियरी के जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको जुडिशरी के उनके सुपीरियर्स ही कंट्रोल करेंगे और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है एग्जीक्यूशन का, का काम रखते हैं तो वो जनरली उनको गवर्न कौन करेगा गवर्नमेंट गवर्न govern करेगी सो स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे देगा सेट ऑफ का पावर दे दिया गया है दैट इज अगर कोई अंडर ट्रायल प्रिजनर है उसने काफी टाइम जेल में बिता लिया है लेकिन अभी भी उसकी अगर ट्रायल पेंडिंग है और मान लीजिए उसने 10 साल जेल में बिता दिया उसको पनिशमेंट 20 साल की मिली तो अब रिमेनिंग 10 साल तक के लिए ही वो जेल में रहेगा क्योंकि उसने ऑलरेडी 10 इयर्स का टाइम पीरियड जेल में निकाल लिया है

क्या प्रिंसिपल्स हैं देखो हर एक्ट का कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है अगर मैं इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करूं तो यहाँ पर भी इनके तीन प्रिंसिपल्स हैं जो कि कहता है कि अगर आपको कोई एविडेंस देना है तो फैक्ट एंड इशू का एविडेंस दीजिए या फिर रेलिवेंट फैक्ट का आप एविडेंस दे सकते हैं आपको हमेशा बेस्ट एविडेंस देना है और कभी भी से को हम नहीं करेंगे so सीआरपीसी गवर्न करती है मतलब कह सकते हैं कि शॉर्ट में उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि सीआरपीसी हमेशा अपने साथ लेके चलती है सो फर्स्ट इज दार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी हाउ पनिशिंग बाय पनिशिंग अक्यूज़ को अगर पनिशमेंट दे दी जाए तो उससे हमारी सोसाइटी का इंटरेस्ट हम जो है वो सेफ गार्ड कर सकते हैं सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ अक्यूज हाउडिंग के भी राइट हमने सीआरपीसी मेंशन करके दिए हैं चाहे वो बेल बॉन्ड पर रिलीज करना हो चाहे उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना हो चाहे उसको लीगल एड देना हो या फिर उसको समन के वक्त अगर उसे कुछ स्टेट एक्सपेंसिस लग रहे हैं तो वो सब हों स्पीडी प्रोसीडिंग दैट इज फ्री एंड फेयर ट्रायल फेयर ट्रायल हो गया कन्विक अक्यूज तो सीआरपीसी का major motto क्या होता है कि हम अक्यूज को कन्विक्ट करें अक्यूज को भी कन्विक्ट कैसे होता है ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस ऐसा नहीं है सीआरपीसी में जबरदस्ती आप किसी अक्यूज को कन्विक्ट कर देंगे नो इट हैजू बी अकॉर्डिंग टू द एविडेंसिस प्रोड्यूसड बिफोर द

कारण होना चाहिए बिना क्योंकि मुझे उचित लग रहा है इसलिए नहीं देर शुड बी अली एक्सेप्टेड रीजन देयर शुड बी अ लॉजिकली एक्सेप्टेड रीजन दैट वाई पर्टिकुलर डिसीजन हैज बीन प्रोनाउंस एंड लास्ट इज

कर सकते हैं नाउ कमिंग टू द बेसिक्स ऑफ योर सीआरपीसी क्या वो बेसिक्स है सीआरपीसी के जो कि आपको जुडिशरी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फैक्चुअल चीजें कौन सी हैं

और इसको नोटिफाई करने का पावर किसका है सेंट्रल गवर्नमेंट का वॉट इज दर इट कंटेन्स्टर्स फोर एटी फोर सेक्शन एंड टू स्केड जिसमें से पहला स्केड्यूल आपके ऑफेंसिस को क्लासीफाई करता है कि ऑफेंस कैसा होगा बेलेबल ऑफेंस होगा नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा कॉग्नेजेबल ऑफेंस होगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा या फिर कंपाउंडेबल ऑफेंस होगा या नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होगा तो दीज आर द सिक्स टाइप्स ऑफ द ऑफेंसेस जो कि हम जब ऑफेंस पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ने वाले हैं बेलेबल ऑफेंसेस जहां पे बेल इज द मैटर ऑफ द राइट आपको बेल मिलती ही मिलती है नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है वो ऑफेंस जहां पे बेल इज नॉट द मैटर ऑफ राइट इट दैट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट इफ कोर्ट फील्स दैट इट कैन ग्रांट द बेल बट इफ कोर्ट फील्स दैट इट इज नॉट योर राइट इट रिफ्यूज टू गिव बेल टू यू कॉग्निजिबल ऑफेंस इज द ऑफेंस जहां कोर्ट सॉरी पुलिस कैन अरेस्ट यू विदाउट वॉरेंट संजे अपराध है बिना वॉरेंट के गिरफ्तारी की जा सकती है एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस वो होता है जहां पे आपको बिना वॉरेंट के मजिस्ट्रेट से बिना वॉरंट के गिरफ्तार या अरेस्ट नहीं किया जा सकता कंपाउंडेबल ऑफेंसिस जहां पे आप विक्ट के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं और मैटर को वापस विद्रॉ कर सकते हैं एंड नॉन कंपाउंडेबल इज वेयर यू कैन नॉट कंपाउंड द मैटर विद द विक्ट सेकेंड स्केड्यूल में क्या देखा है सेकेंड स्केड्यूल जनरली आपसे कम पूछा जाता है फर्स्ट स्केड्यूल इंपॉर्टेंट रहता है चाहे जुडिशरी में जा रहे हैं आप यहाँ प्रैक्टिस में जा रहे हैं अगर पता चले सेक्शन फोर ट्वेंटी का ऑफेंस बनाया गया है किसी पर्सन के अगेंस्ट तो यू शुड नो दैट इट इज कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल ऑफेंस तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर ऑफेंसेस हैं जो आपको पता होने ही होने चाहिए कि कॉग्निजेबल है या नॉन वेलेबल है क्योंकि कल को वकील साहब बनेंगे आप और आपसे सीधा पूछा जाएगा कि साहब इस इस सेक्शन के अंडर एफ फाइल की गई है उस वक्त ही बैरक उठा के देखोगे कि कॉग्निजेबल है या नॉन वेलेबल है तो ठीक है बताना मत किसी को कि आपने बेरेक्ट उठा के देखा धीरे धीरे याद हो जाएगी चीजें ओके सो मेक श्योर दैट सर्टन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट मेजर ऑफेंसेस हैं तो आपको उसका नेचर जरूर हो एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी जनरली इग्नोर इज दैट इट इज एडेड इन एंट्री नंबर टू ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इसीलिए जब भी आप सीआरपीसी देखेंगे या अगर आप सीआरपीसी अगर आपके हाथ में अभी बेरेक्ट है इफ यू ओपन फॉर एग्जांपल इफ यू ओपन सेक्शन नंबर

दोनों में से कोई भी लॉज बना सकता है सो सीआरपीसी ड्राफ्ट जब हुआ था इट वॉज मेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया यूनिफॉर्मली। बट इफ योर स्टेट गवर्नमेंट फील्स कि कोई पर्टिकुलर सेक्शन में अमेंडमेंट होना चाहिए फॉर दर्पज ऑफ ओनली दैट पर्टिकुलर स्टेट तो स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर बिकॉज आपका सीआरपीसी कौन लिस्ट में फॉल होता है जनरली हमें लॉ कॉलेजेस में नहीं बताया जाता ध्यान रखना सी आर पी सी इज सीआरपीसी uh, का जो टॉपिक है इसलिए स्टेट और सेंटर दोनों को पावर है वो अमेंडमेंट करते हैं और कुछ पर्टिकुलर सेक्शन में आपको स्टेट अमेंडमेंट दिखेंगे तो हर सी जब भी आप ले रहे हो तो कमेंट्रीज के साथ वाली लीजिएगा यूनिवर्सल वाली आप सीआरपीसी ले सकते हैं मतलब ये वाली आप सीआरपीसी ले सकते हैं इसमें आपको स्टेट अमेन्डमेंट नीचे फुट नोट्स में मिलेंगे और आपके पर्टिकुलर स्टेट का अमेंडमेंट आपको पता होना ही होना चाहिए क्लियर ओल्ड सीआरपीसी के बात कर लेते कि exactly आपकी जो old CRPC थी 1898 की CRPC, उसमें क्या क्या था उसमें 46 chapters थे 565 sections थे 6 schedules थे मैम इसको पढ़ने की कहा जरूरत है हाँ इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन इन केस अगर आपके स्टेट जुडिशरी के सिलेबस में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ओल्ड सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन कौन सी चीज की, 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 की बात करता है आपको सारे सेक्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट भी आपका पुराना एक्ट है जो कि पुराने सीआरपीसी के सेक्शंस की बात करता है

वो जो सेक्शन है वो अब न्यू सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन है ओके okay? क्लियर है नाउ वी विल मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट फॉर टुडे सेशन दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सब्सटेंटिव एंड द प्रोसीजरल लॉ मैंने बोला था कि सीआरपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉ जबकि आईपीसी एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया है टीपी एक्ट हो गया है ये सब सब्सटेंटिव लॉ हैं जो कि आपके राइट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताते हैं अब आपको ये डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए एग्जाम से पूछा जा सकता है मेन से पूछा जा सकता है इंटरव्यू में पूछा जा सकता है सेमेस्टर एग्जाम्स में आपको डिफरेंस टेबल लिखनी पड़ सकती है सो so, जब भी आप डिफरेंस लिखेंगे सिर्फ दो कॉलम नहीं बनाने हैं आपको बेसिस का कॉलम भी बनाना चाहिए बिकॉज जब आप बेसिस का कॉलम बनाते हो टीचर को समझ आता है कि आपने हर एक एलिमेंट से डिफरेंस पकड़ा है एंड इट बिकम्स ईजी फॉर यू ऑल्सो टू रिमेंबर दोज रिमेंबर दोस्ट

कॉन्ट्रैक्ट में आपका आ, दोनों पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है परफॉर्मर है तो उस केस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली आप पार्टीज को क्या बता रहा है आपकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बता रहा है दैट पर्टिकुलर प्रॉमिसर नीड्स टू परफॉर्म एट दिस प्लेस प्रॉमिसि हैज दीस ऑब्लिगेशंस दीस लायबिलिटीज अगर डैमेजेस हुए तो क्या तो टिव लॉ बेसिकली आपको एंड ड्यूटीज बता रहा है बट प्रोसीजर आपको क्या करता है कि ये law कैसे enforce होगा कि शिवानी मैम राइट इन्फ्रिंज हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इफ मैम has ब्रीच द लॉ या फिर किसी पर्सन ने मैम के अगेंस्ट लॉ को ब्रीच कर दिया है तो उसका एनफोर्समेंट कैसे होना चाहिए ये हमें कहाँ बता रखा है ये हमें बता रखा है प्रोसीजर लॉ में पावर्स की बात करें तो इट इज इंडिपेंडेंट टू डिसाइड द फेट ऑफ द ईच केस सो बेसिकली सब्सटैंड लॉ इंडिपेंडेंट है उसको किसी और लॉ की जरूरत नहीं है आईपीसी को किसी और लॉ की जरूरत है क्या मर्डर किया तो सीधा आईपीसी में जाओगे उसको पॉक्सो की जरूरत है क्या नॉट रिक्वाड एंड अंडर वहां पर कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है वो भी बिल चाइल्ड बिलो द एज ऑफ एटीन ईयर्स बराबर लेकिन प्रोसीजर लॉ में इन्होंने बोला है दैट

आपका सब्सटेंटिव लॉ किसको गवर्न करता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन इंडिविजुअल लेकिन प्रोसीजर लॉ किसको गवर्न करता है ये बेसिकली आपके प्रोसीडिंग के पूरे स्टेज को गवर्न करता है कि मैम इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी मैम इंक्वायरी कैसे होगी मैम ट्रायल कैसे होगी तो प्रोसीजर लॉ इन सारे स्टेजेस को बताता है कब क्या कैसे करना है कितने किसके पावर्स होंगे कितनी किसकी ड्यूटी होगी एंड किस कौन से स्टेज पे कौन से पर्सन की राइट right होगी कौन पहले आएगा किसको बेल देने का राइट right है कौन श्योरिटी बन सकता है किसको डिस्चार्ज करेंगे कब हम बॉन्ड भरवा सकते हैं कब हम गुड पीस पे या एडमोनिशन पे रिलीज कर सकते हैं सो दैट इज ऑल गिवन अंडर योर प्रोसीजर लॉ सेम गोज विथ सीपीसी पीसीऑलो सीपीसी भी बोलता है कि अटैचमेंट कब होने वाला है आपका प्रोक्लेमेशन कब हो सकता है फिर चाहे डिग्री का एग्जीक्यूशन कब हो सकता है आपका इश्यू प्रोसेस कब हो सकता है या फिर अगर हम आगे बात करें अरेस्ट कब हो सकता है डिटेंशन कब हो सकता है सेट ऑफ कब होगा काउंटर क्लेम कब होगा तो ऑल दीज प्रोसीजर्स आर गिवन अंडर प्रोसीजर लॉ दैट इज दीपीसी एप्लीकेशन की बात करें इट एक्सक्लूसिवली डील विद द प्रोसीडिंग इनसाइड अ कोर्ट सो सब्सटैंड लॉ को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है आईपीसी के अंडर का ऑफेंस है पॉक्सो के अंडर का ऑफेंस है एनडीपीएस का ऑफेंस है वो कहीं पर भी हो सकता है तो अगर रोड के बाहर भी हुआ तो आईपीसी अप्लाई हो जाएगा लेकिन सीआरपीसी सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है उस पर अप्लाई होता है या फिर पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है उस पे अप्लाई होता है सो बेसिकली इट गवर्न द प्रोसीडिंग इन टू द इंस्टीट्यूशन दैट इज हैपनिंग बराबर चीज example की बात करें इंडियन पीनल कोड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टीपीए आर इंक्लूडेड सब्सटेंटिव लॉ लॉ में सीआरपीसी सीपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट एज वेल एज लिमिटेशन एक्ट आर इंक्लूडेड तो ये सब कुछ था आज हमारे पास सेशन में एक बार वापस -फड़ से फटाफट से रिवाइज करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है आज के सेशन में हमने देखा था कि सीआरपीसी का बेसिक मीनिंग क्या है

कि सीआरपीसी में कौन कौन से बेसिक्स हैं देन वी स्टडीड द डिफरेंस बिटवीन सबस्टांटिव लॉ एज वेल एज प्रोसीजर लॉ क्लियर है ये चीज तो ये सारा पॉइंट आज हमने पढ़ा है अब अगले सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं अगले सेशन में हम देखेंगे सीआरपीसी को पढ़ना कैसे चाहिए क्या हमें इंडेक्स वाइज चलना चाहिए कौन कौन सी वो चीजें हैं जो हमें पहले पढ़नी है बाद में पढ़नी है इंडेक्स वाइज चलें या खुद का कोई प्रोसीजर बनाए और खुद का प्रोसीजर बना रहे हैं तो कौन से बेसिस पे होना चाहिए ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डील इन अनदर सेशन टिल देन थैंक यू थैंक यू सो मच